नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ सबसे पहले तो बात करेंगे HUL के जो क्वार्टर फोर के नंबर्स आए हैं उसके बारे में। कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है एंड रिजल्ट्स के बाद ऑलमोस्ट 1.5% करेक्ट है। एंड वोल्टास का स्टॉक कल रिजल्ट्स दिए, आज लगभग अच्छी खासी करेक्शन दिखा रहा है। अगर एग्जैक्ट फिगर में बात करूं तो 4.5% डाउन है। क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, इसके बारे में बात करेंगे। इनफैक्ट मेरे पास एक कमेंट आया है क्या एवरेज करना चाहिए, इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले HUL के क्वार्टर फोर के नंबर्स बताना चाहूंगा आप सभी को। एंड मार्केट देख लीजिए, सुबह मैंने आपको एक्सपायरी स्पेशल वीडियो बनाई थी, बोला था 17,800 पे। भैया आज जो फ्रेश पुट राइटर्स खड़े हुए हैं ना, वो लगभग 2,00,000 है, 1,90,000 थे उस समय। अब तो पता नहीं कितने हो गए, मैंने देखा नहीं है तब से। और उसी स्ट्राइक प्राइस पे 17,800 पे 4,00,000 से ज्यादा है, तो 17,800 के आसपास बाजार सपोर्ट लेगा। इनकेस वहां से नीचे जाता है तो 17,750 के स्टॉप लॉस से आपको मैंने खरीदने की राय दी, बट वहां तक बाजार आया नहीं है। और मार्केट 17,900 के पार भी मुझे मुश्किल ही दिखता है, क्योंकि वहां पे क्या है, कॉल राइटर्स है, बट उतने खास बड़े कॉल राइटर्स नहीं है। पुट राइटर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बट कॉल राइटर्स उतने नहीं है, तो मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स कम दिख रहे हैं आज के लिए। इंट्राडे की बात करें तो HUL के क्वार्टरली नंबर्स पे आते हैं वापस। अगर बात करें HUL के क्वार्टरली नंबर्स की, तो दोस्तों नंबर्स कंपनी ने ठीक ठाक पेश करे हैं, बट मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़े कमजोर है, जिसकी वजह से स्टॉक गिरता हुआ दिखा है। सबसे पहले स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट की बात करूं तो लगभग 2330 करोड़ से बढ़कर 2550 करोड़ पे आया है साल दर साल। बाजार का अनुमान था 2580 करोड़ का, जिसके सामने 2550 करोड़, यानी 30 करोड़ से मार्केट के एस्टिमेट से कम रह गया प्रॉफिट। पहला नेगेटिव ये हो गया। रेवेन्यू की बात करें तो 13,190 करोड़ के सामने 14,640 करोड़ पे आया, रेवेन्यू ठीक था। एबिटा कामकाजी मुनाफे की बात करें तो ये बाजार के अनुमान से अच्छा खासा कम रह गया है। देखिए 3250 करोड़ के सामने 3470 करोड़ का कामकाजी मुनाफा कंपनी ने पेश कराया, बाजार का अनुमान था 3650 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 180 करोड़ से कामकाजी मुनाफा कम रह गया। बहुत सारे लोग सोचते होंगे भाई ये कामकाजी मुनाफा अलग अलग होता है क्या, तो जी हाँ ये अलग होता है। कामकाजी एबिटा यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, यानी ये चार चीजों से पहले का जो प्रॉफिट होता है वो होता है आपका पैट, और जो इन चार चीजों को ऐड कर दो तो फिर वो हो जाता है एबिटा, ठीक है, कामकाजी मुनाफा। अगर एबिटा की बात बता दिया मैंने, एबिटा मार्जिन देखे तो 24.6% से घटकर 23.39% आए हैं, बाजार का अनुमान 24% का था, तो काफी खराब हो गया। साथ ही साथ कंपनी ने ₹22 पर शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा है। काफी लोग एक्सटेड रिकॉर्ड डेट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं BSE पे देख के आपको बता दूंगा, ठीक है। वैसे मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है कि आप BSE पे जाके खुद कैसे चेक कर सकते हैं। तो ₹22 पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। कंपनी की कमेंट्री की बात करते हैं। कंपनी डिलीवर्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद टर्नओवर ग्रोथ ऑफ 11% एंड अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ ऑफ 4%, और बाजार का अनुमान 4-5% का ही था। कंपनी सेज नियर टर्म ऑपरेटिंग एनवायरमेंट इज लाइकली टू रिमेन वॉलेटाइल, यानी कुछ साफ क्लियर व्यू नहीं है वॉलेटाइल रहने का, इन्होंने अनुमान जताया। कंपनी सेज बोथ फैब्रिक वॉश एंड हाउस होल्ड केयर ग्रू इन स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट इन क्वार्टर, तो ये अच्छी चीज है। फैब्रिक वॉश एंड हाउस होल्ड केयर की जो चीजें हैं वो बढ़िया तेजी से बढ़ रही है इनकी। कंपनी सेज प्रीमियम पोर्टफोलियो कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म, यानी कि प्रीमियम सेगमेंट अच्छा कर रहा है। अब देखिए HUL क्या है, हर प्रोडक्ट बना रहा है, एक लार्ज क्लास प्रीमियम लोगों के लिए, मिड क्लास लोगों के लिए और लोअर एंड के लिए भी, हर एक जगह वेराइटी दे दी है इन्होंने, चाहे शैम्पू हो, चाहे आपका आप साबुन ले लीजिए, या आप मतलब कोई भी प्रोडक्ट देखेंगे ना आप, ये बहुत वैरायटी देते हैं आपको, ठीक है। आगे बढ़े तो कंपनी सेज कॉन्फिडेंट ऑफ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोटेंशियल ऑफ इंडियन FMCG, यानी आगे चलकर लॉन्ग टर्म पर्पस से FMCG सेक्टर पे भरोसा है कंपनी ने, ऐसी कमेंट्री दी। कमेंट्री तो खराब नहीं दिख रही है, बट कमजोर नंबर थे अनुमान के हिसाब से, इसलिए स्टॉक थोड़ा डाउन दिख रहा है, बाकी कुछ ज्यादा नेगेटिव नहीं है, ठीक है। अब आते हैं वोल्टास। देखिए दोस्तों वोल्टास के नंबर कल जब मैंने शेयर करे थे आप लोगों के साथ लगभग 9:30 बजे वाली वीडियो में, जैसे कि मैंने आपसे कहा भी था कल कि सारे के सारे रिजल्ट्स जो भी आए सब लास्ट में वीडियो बनाऊंगा एक, तो वोल्टास के नंबर आपके साथ कहा था कि अनुमान से कमजोर रह गए हैं, काफी कमजोर रह गए हैं, स्टॉक नेगेटिव लग रहा है और स्टॉक में बड़ी करेक्शन हो गई है, 814 पे आ गया है। अब क्या करें, मेरे हिसाब से आपके लिए स्टॉप लॉस के पास है, 806 का एक स्टॉप लॉस है जो मुझे लगता है इस बार ब्रेक हो जाएगा। उसी स्टॉप लॉस के साथ हमने आपको बाय करने के लिए भी कहा था, 820 पे था स्टॉक, 806 के SL से आपको खरीदा था, 880 से लेकर 920 के टारगेट थे।
870 तक आया था वहीं बुक करा दिया प्रॉफिट, और अब स्टॉक दोबारा नीचे जा रहा है। मुझे लगता है ये स्टॉक 806 नीचे में ब्रेक करेगा, और जैसे ही 806 ब्रेक करेगा 795 का लेवल होगा वो, इनकेस अगर स्टॉक ने ब्रेक कर दिया तो मैं आपसे कहूंगा बेच देना आप इस स्टॉक को, फिर स्टॉक में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। लगभग जनवरी 2022 के आपके लिए, सॉरी जनवरी 2023 के लो जो है 744 के, वो टेस्ट होते हुए देख सकता है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है स्टॉक नेगेटिव हो रहा है काफी ज्यादा, तो 806 के बाद 795 है। कोई 806 का स्टॉप लॉस रखना चाह रहा है तो वो रख लीजिए, अदरवाइज 795 एक फाइनल सपोर्ट है, वो ब्रेक हुआ तो बड़ी गिरावट होगी, तो स्टे अलर्ट है ऐसे स्टॉक में अभी भी। ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको वीडियो समझ पसंद दोनों आई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।